हमारे बात मानने ना मानने की बात नहीं है। अगर उन्होंने आए हैं समझाने के लिए, सोचने के लिए, ये माहौल देखने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट, ये प्रोटेस्ट जो है चालू रहेगा। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं सुनते हैं, आगे क्या वो कहेंगे उसके लिए इंतजार रहेगा, क्योंकि हमें हटना नहीं है, हमें डटना है और डट के मुकाबला करना है। नहीं, वो कह रहे हैं रास्ता तो खोल दिया जाए। रास्ता तो हमारा खुला हुआ है, चारों तरफ। अब हमारे इतने आदमी के लिए रास्ता कोई जाम नहीं है। अमित शाह के लिए, एक आदमी के लिए, एक मकान के लिए वो रोड बिल्कुल ब्लॉक है, तो उस रोड को क्यों नहीं खुलवाते? आज ये आदमी इतने मर रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। आज इतने आदमी मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? कोई रोजगार नहीं, कोई धंधा नहीं, जुमलाबाजी सुना सुना के दिमाग को भरभर्ट कर रखे हैं, देश को सत्यानाश कर रखे हैं। इनको सीट पर नहीं रहना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कहते हैं देश में सब कुछ चंगा से चल रहा है, उनका तो ये जुमला है, ये पुरानी आदत है, ये तो पुरानी आदत है। उनको भाषण दिलवा लो, राशन नहीं, केवल भाषण, राशन नहीं, नौकरी नहीं। उनको अब क्या कहूँ मैं, नौकरी नहीं है, फैक्ट्री बंद करा दो। शीशा के महल में रहते हैं ना, वो झोपड़ियों को क्या देखेंगे? शीशा के महल में रहने वाले, जो शीशा के महल में रहने वाले वो झोपड़ी का क्या देखेंगे? अभी 3 लाख की बात है, 3 लाख बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, आज 3 लाख के ये बेटियां बैठी है, तो क्यों नहीं आके यहाँ बैठ करते हैं, बात करते हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील आए हैं। बड़े वकील आए हैं केवल ये सूचना लेने के लिए, देने के लिए नहीं, उठाने के लिए। यहाँ उठने वाले कोई नहीं है, यहाँ उठने वाले नहीं है। हमारे जैसा बुजुर्ग आदमी 72 साल का एज है, मैं डटा हूँ और डटा रहूँगा जब तक सांस रहेगी। तो क्या इनकी बात नहीं मानोगे? नहीं, अगर समझौता होता है, हमारे मन के बराबर करते हैं, ये 3 कानून वापस ले लेते हैं, उठाई उठा। नहीं, मसला बात मानने का नहीं है, एक्चुअली मैं बता दूँ, मसला ये है कि ये जो आए हैं ना, ये सिर्फ रोड को लेकर आए हैं, ये NRC NPR CA को लेकर नहीं आए, ये सिर्फ इसको लेके आए हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है रोड खोल, रोड तो हमारा है, तो आप अपना कानून वापस ले लो, हम अभी रोड खोल रहे हैं। हमने तो ये मुद्दा है ही नहीं कि हम रोड बंद करें और लोगों को परेशानी हो, तो हमारा मकसद ये नहीं किसी को भी परेशान करना, तो मकसद ही नहीं है। जहाँ तक बार बार रोड का मामला आता है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर नोएडा से मावर फ्लाईओवर से रोड को बंद किया गया है, ये हमने बंद किया, ये हमने बंद किया, उधर योगी सरकार ने बंद किया है और इधर सत्ता विहार से बंद किया। हम तो सिर्फ 200 मीटर के दायरे में बैठे हुए हैं, कोई पूरा एरिया को हमने ब्लॉक नहीं किया। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पूरे एरिया को ब्लॉक नहीं किया है, हमने तो सिर्फ 200 मीटर का जो दायरा है सिर्फ उसको किया है। उसके अलावा भी कोई एम्बुलेंस आती है या कोई डेथ केस का कोई मामला आता है, कोई स्कूल की बस आती है, उसको हम निकालते हैं यहाँ से। तो वार्ता हमारी हो रही है और हर चीज़ का जो है बैठ के हल होता है। हमें खुशी इस बात की कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आज इतने दिनों के बाद किसी को हमारे बीच में भेजा है। तो क्या सर, मोदी सरकार क्या झुकती जा रही है आपके आंदोलन के सामने? हमारा मकसद किसी को झुकाना नहीं है, न झुकना, न किसी को झुकाना है। हम चाहते हैं कि देश में हमारा शांति बरकरार रहे, और CA जो कानून आया है वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश जो है जाति पंथ निर्विशेष देश है, या किसी विशेष वर्ग को आप निकालना, ये गलत कर रही है सरकार। तो सरकार ने जो कानून लाई है हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा सर, जो ये कानून आया है नागरिकता बिल, मोदी सरकार ने क्या संविधान को, मतलब संविधान की हत्या करने की कोशिश की इस कानून के जरिए? अनुच्छेद 14 को उन्होंने सर छेड़ा है, जबकि पहले ही संविधान के अंदर है कि किसी भी को नागरिकता, पाकिस्तान या बांग्लादेश उस वक्त नहीं था जिस वक्त ये संविधान बना था। पाकिस्तान से जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, वो हिंदुस्तान अपनी नागरिकता ले सकते हैं, और पहले भी आए और अब भी आ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा कि हिंदुस्तान जो, अगर हिंदुस्तान के अंदर यहाँ एक पत्थर उठा के फेंक दो बेरोजगार पर लगेगा, एक पत्थर उठा के कहीं भी फेंक दो बेरोजगार पर लग जाएगा। ये इंडिया का हालत नहीं है, वर्ल्ड में हिंदुस्तान का युवा जाके भटक रहा है। बाबूजी रोजगार दे दो, बाबूजी रोजगार दो, पूरा वर्ल्ड में लगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, दलित जितने भी भाई हैं, सभी धर्म के लोग, मिसाल के तौर पर एक बाग, बाग में हर फूल रहता तो एक बाग कहलाता है। अगर एक फूल उसमें से गुलाब का फूल निकाल के फेंक दोगे तो बाग का जो है वो गरिमा खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, दलित जितने भी भाई मोमना सभी रहना चाहते हैं, रहते भी हैं, पूर्वग्रह है,
अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, हम तो डॉक्यूमेंट दे देंगे एक मिसाल के तौर पे, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जगह हैं कि इलाके का इलाका बांध में बह चुका है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आप बिहार चले जाए, बंगाल चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, ये इलाके का इलाका बह चुका है, ये कहाँ से डॉक्यूमेंट ला के देंगे? अभी आप न्यूज वाले हैं, सीमांचल का दिखाएं आप बिहार का, लोग खेती बाड़ी घर बार सब छोड़ के उसी में लगे पड़े, डॉक्यूमेंट सही करा लो रात दिन एक करके, तो हिंदुस्तान को कहाँ लेके जाना चाहता है? हिंदुस्तान को लेके कहाँ जाना चाहता है? ये 20वीं सदी है या 10वीं सदी है? हम लोग 85 लाख आदमी जाके गल्फ में खट रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से कई हजार करोड़ रुपए कमा के हम लोग इनको दे रहे हैं, और हमारे माँ बाप को ये लोग परेशान कर रहा है, ये क्या तरीका? सरकार कहता रही है बेरोजगारी, जीडीपी पे तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा, सीए को लेकर सब आंदोलन। नहीं, सीए इसलिए कर रहा है, सीए एनआरसी को लेके कि यहाँ पे नहीं यहाँ पे इसलिए कर रहा है कि सभी धर्म को एक साथ रखा, लेकिन एक धर्म को निकाल दिया। कौन सा कानून कहता है एक धर्म को बाहर निकाल दे भाई? अभी आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया वाले का, जो कि इस तरह से बात उठा रहे हैं और बात को लेकर आगे भी बढ़ा रहे हैं। अभी क्या मतलब बनता था मीडिया वाले को बाहर से अंदर से बाहर करने का, बाहर से अंदर करने का? ये आप लोग समझ सकते हैं चीज को? अच्छा खुद मोदी का एक मंत्री ने बोला कि पोया, जो पोया खाता है ना, पोया खाने वाले से ही पता लग जाता है कि ये बांग्लादेशी या हिंदुस्तानी। हंसने वाली बात है, हमें हंसी आ रहा है, जबकि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 90% लोग पोया का नाश्ता करता सुबह, इसका मतलब सभी बांग्लादेशी है। अरे मेरे भाई, गुजरात में जाके देखो ना तुम, पोया कैसे खाया जाता है? हम दिल्ली वाले तो नहीं खाते, हम यूपी वाले तो नहीं खाते, हम बिहारी तो नहीं खाते, खाते हैं तुम्हारे इधर के लोग, और लेकिन तुम उसको बोल रहे हैं कि ये पोया खाने वाले सारे बांग्लादेशी है, ये क्या तरीका? अगर जो आज ये जो लोग आए मध्यस्थता करने के लिए, अगर ये कहें कि आप इस आंदोलन का दूसरे से, वो इस तरह तो नहीं कहेंगे। देखो इनको देखिए, वार्ता जब भी होती है वो दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है, और वो अपनी बात रखने आए, अभी वो हमारी बात सुन रहे हैं, उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे, और ये तो बाद में पता लगेगा भाई क्या होता है इसका। तो रहे कि रास्ता खाली होना चाहिए। नहीं, उन्होंने अभी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि रास्ता खुलना चाहिए। मैंने तो अभी आपको बताया कि रास्ता का सिर्फ 200 मीटर एरिया जो है जिस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बाकी एरिया तो पुलिस ने बंद किया हुआ है, यूपी से और वहाँ से दोनों तरफ से, मामा फ्लावर से, वो हमने बंद किया हुआ है। सुरक्षा के लिए बंद किया होगा, बंद किया नहीं, और रास्ते खुल सकते हैं, आवागमन हो सकता है सर, जैसे 8 नंबर से रास्ता खुल सकता है। तो आज 65 दिन से हम 65 दिन से हम बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी बैठे हुए हम ऐसे हट जाए यहाँ से। सर ये जो प्रतिनिधि ये लोग आए हैं मध्यस्थता कराने, ये तो सीधा सीधा मकसद है कि सीए को वापस करवा लें। जब सरकार हमारी बात को जब नहीं सुन रही है, तो हमारी बात को कम से पहले खुद पीएम ने कहा कि ये वापस नहीं होगा। नहीं, सरकार जब हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जो लोग आए इनसे हमारी बात रखी जा रही है, ये हमारी बात को भी पहुँचाएंगे वहाँ, जो हमारे जज्बे अंदर। किस बात की बात करने के लिए एग्री हुए हैं आप? अभी वापस नहीं होगा, अभी नहीं नहीं, ऐसा देखिए सुनिए, ऐसा कोई काला कानून जो है वो वापस जरूर होगा। क्यों वापस नहीं होगा? तमाम सरकारों को पहले भी ऐसे फैसले हुए, सरकार उस पर वापस भी हुई है। जब पब्लिक परेशान होगी तो वो ऐसे कानून वापस भी होगा। पब्लिक क्यों परेशान होगी? पब्लिक क्यों नहीं परेशान? एक 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 वर्ग विशेष को आप उसको जो नहीं ले रहे हैं, सब पहले भी दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब 1947-50 के बाद जो संविधान बना था, उसमें लिखा हुआ है कि भाई किसी भी देश के लोग, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के लोग, किसी भी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं। कानून तो पहले से बना हुआ था, ये तो आपने एक विशेष वर्ग को निकाल के कानून बनाया है, विरोध उसका है। नहीं सर, सर एक सवाल है आपसे जी। ये तो हर कोई जानता है कि सरकार सीए को वापस लेने से मना कर रही है जी। अब ये प्रतिनिधि जो आए हैं, किस लिए आप लोग राजी उनसे बात करने के लिए? क्योंकि सीए तो वापस नहीं होगा, क्या इस धरने को शिफ्ट करना चाहते हैं क्या? नहीं, वो असल में देखो अभी तो बात चल रही है, और जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले फैसले के बारे में तो कुछ भी कहना गलत है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर है, रास्ते को लेकर नहीं है। ये मैं अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। तो सीए का कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अदनान सामी पाकिस्तान का है, मुस्लिम है, आपने उनको नागरिकता दी सीए के बगैर दी, ठीक है। तो नागरिकता देने का कानून तो पहले से है, आपने पद्मश्री भी दिया उनको, वहाँ के मुस्लिमों से, हिंदुओं से प्यार है आपको, और हम मतलब बेवकूफ़ हैं। आप तीन तलाक की बात आती है, आप कहते हैं कि जी मुस्लिम बहनें माएँ उनको हमने इंसाफ दिला दिया। आज ये मुस्लिम माएँ बहनें नहीं दिख रही आपको, आप आ गए रास्ता खुलवाने, हैं आप ये कहने नहीं आए कि हमारी माँ बहनें परेशान हो रही हैं, तो हम इस
कानून को वापस ले लें, ये कहने नहीं आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं अभी बता देता हूँ आपको, मोदी जी की बात आपने थोड़ी देर पहले अभी कही है कि वो तो मना कर रहे हैं, ठीक है, मना किया उन्होंने, तो उनके मना करने से क्या, मोदी जी को किसने बनाया? मोदी जी अपने आप तो पीएम नहीं बन गए, हमारा वोट गया ना मोदी जी को, जब भी तो वो पीएम बने, या तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दें उसके बाद दोबारा से एनआरसी एनपीआर करा के फिर अपनी कुर्सी लें वापस, अगर वो आते इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 4 साल इंतजार, अभी भंग कर दे अपनी सरकार अगर वो चाहते हैं, वरना तो जब जिन वोटों से तुम प्रधानमंत्री बने उन्हीं वोटों के आधार पर तुम यहाँ पे कानून थोप रहे हो, हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं। ये सवाल ये है, सरकार का तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया यहाँ बात करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भेजे कि रास्ते के लिए आप बात करें। वही कह रहा हूँ मैं भी, वो रास्ते की बात करने आए हैं, वो सीएनआरसी की बात करने ही नहीं आए, दोनों चीजें अलग हैं। देखो, एक तो है रास्ता खोलना, रास्ते में हम बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा सीए और एनआरसी, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो वो जो बात करना है वो रास्ते के लिए बात करना है, वो सीएनआरसी के लिए बात करने के लिए नहीं आए, हमारा मकसद है ही नहीं वो।